हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तन्वी एंड आई एम योर बिजनेस टीचर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टीच योर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट विच इज़ अ बेसिकली अ थ्योरिकल सब्जेक्ट आई कैन से। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स भागते हैं बिकॉज इट इज़ अ टिपिकल थ्योरिकल सब्जेक्ट। तो सब लोग यही सोचते हैं बोरिंग है, बहुत बोरिंग है और नहीं पढ़ना है और जस्ट पास हो जाए उतना काफ़ी है। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। बिजनेस स्टडी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट और इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स, यहाँ तक कि 90s तक भी आप स्कोर इजीली कर सकते हो। और बेसिकली जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, तो आपको इससे एक वर्ड ज़्यादा या एक वर्ड कम पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। एग्ज़ाम में बेसिकली 1-1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं और 3 और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ, और फिर बाकी 6 मार्क्स के अलग से क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली आपका पूरा जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आता है। और दिल्ली में जैसे कि CBSE होता है और ऑल ओवर इंडिया अदर एग्ज़ाम्स होते हैं विच इज़ नॉट अ CBSE। सो मैं जस्ट यही बोलूँगी कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ट्रस्ट मी एंड वट एवर आई एम गिविंग यू द PPTs एंड ऑल यू हैव टू प्रिपेयर इट। ओके एंड फाइनली आई एम स्टार्टिंग विद द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ये आपका 7 मार्क्स का आएगा, तो 100 में से आप बोल सकते हो कि आपके 7 मार्क्स तो पक्का आ ही जाएंगे अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे। आई थिंक आपको मेरा नाम रिमेम्बर हो गया होगा, तन्वी। आई एम तन्वी विच इज़ योर बिजनेस स्टडी टीचर। ओके सो आई एम स्टार्टिंग विद नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है। तो मैनेजमेंट में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशंस आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे हम इसकी। एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट होगा इसका जो सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही सेकेंड यूनिट है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट एज एन साइंस क्या होगा, एज एन आर्ट क्या है, और एज एन प्रोफेशनली हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे, मतलब मैनेजमेंट हर फील्ड में डिफरेंट होता है। तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम इन नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एंड थर्ड जो इसका यूनिट होगा, फर्स्ट चैप्टर का ही थर्ड यूनिट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट में एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक सुपरवाइजरी लेवल होता है, जिसको हम स्मॉल लेवल या फिर डाउन लेवल भी बोल सकते हैं। और फोर्थ जो इसका यूनिट होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शंस, कि मैनेजमेंट एक्चुअली करता क्या क्या है। मैनेजमेंट में प्लानिंग आती है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा किसी भी चीज़ के लिए। जब भी हम कोई भी चीज़ मैनेज करते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें प्लानिंग करना होता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज करना होगा उसको। एंड थर्ड इज़ स्टाफिंग कैसे करते हैं, मतलब उसको फिल कैसे करना है, हर एक पोस्ट पे कौन बंदा कैसे कैसे काम करता है, उसको उस प्रोसेस को पूरा स्टाफिंग बोलते हैं। एंड फोर्थ इज़ डायरेक्टिंग, कि कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा जो पूरे जो प्रोसेस है, पूरा जो मैनेजमेंट है, उसको वो डायरेक्ट करेगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है तुमने ये कर लिया, और इस या और जो भी काम है उसको तुम्हें यहाँ तक इसको फिल करना है, हमारा एम ये है, ऑब्जेक्टिव्स ये है, दैट काइंड ऑफ। एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग, वहाँ पे एक ऐसा भी बंदा होगा जहाँ पर वो कंट्रोल कर रहा होगा सारे प्रोसेस को। तो मैनेजमेंट में हर चीज़ आती है, प्लानिंग भी आएगी, ऑर्गेनाइजिंग भी आएगी, स्टाफिंग भी आएगी, डायरेक्टिंग भी आएगी एंड कंट्रोलिंग भी आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमें बस यही पढ़ना है कि मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, बिकॉज आज के टाइम पर या पहले के टाइम पर या आने वाले टाइम पर बहुत ही आई थिंक एक टफ कंडीशन होती है कि आप किसी बंदे से कैसे काम करवाते हैं, क्योंकि नो वन इज़ लाइक टू डू वर्क, किसी बंदे को पसंद नहीं है कि वो कुछ काम कर ले। बट हाँ, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा मैनेजमेंट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं जहाँ पर हम लोगों से काम करवा सकते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करके। तो इसके अंदर हम इसके नेचर पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम पूरा आज यही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो जो मैनेजमेंट है, अगर मैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स देखूं, तो
तो मैनेजमेंट में फर्स्ट जो चीज आती है वो आती है डेफिनेशन, कि हाउ यू विल डिफाइन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है. हर कोई बोल सकता है वैसे कि हाँ मैनेजमेंट क्या होता है, बस मैनेज करना होता है चीज़ों को और क्या है, मैनेजमेंट और तो कुछ नहीं है. बट नहीं, अगर हम इसको टिपिकली समझना चाहें या डीपली हम इसको समझना चाहें तो मैनेजमेंट एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू अ मैनेजर और मैनेज समथिंग यू वॉन्ट टू डू. सो यू हैव टू नो इट कि वट इज़ मैनेजमेंट. तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि मैनेजमेंट क्या है. तो पहले हम यही स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है. तो फर्स्ट जो मैंने डेफिनेशन दिया है दैट इज़ अ ऑथर डेफिनेशन. तो हमें एग्जाम में, अगर मैं बेसिकली एग्जाम की ही बात करूँ, तो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन वट इज़ मैनेजमेंट 1 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है. तो जिस तरीके से मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपको उतना ही ज़्यादा लिखना होगा. तो मैंने बेसिकली यहाँ पर आपको 4 डेफिनेशंस दी हैं, और जिसमें से 2 डेफिनेशन ऐसी हैं जो ऑथर्स डेफिनेशंस हैं, जिनमें से आपको एक तो लर्न करना ही है, मतलब आप बच नहीं सकते हो. आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैम हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं और हमें ऑथर्स डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, तो आप ये नहीं कर सकते हो. आपको एक कम से कम ऑथर्स डेफिनेशन आपको एक ना एक तो लर्न करनी पड़ेगी. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि जो के राइडनर है वो एक ऑथर था और उसने मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करा. वो क्या बोलता है कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या. तो वो जो है वो कहता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय इफेक्टिवली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरमेंट. तो इस बात से हम क्या समझते हैं कि मतलब क्या बोल गया वो आदमी, मतलब उसने बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें वर्किंग करनी होती है और थ्रू अदर्स हम वर्किंग करते हैं और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो भी है हम लोग वो प्रोसेस पूरा करते हैं. वर्डिंग्स थोड़ी सी टिपिकल हैं, मैं मानती हूँ कि वर्डिंग्स थोड़ा सा है कि हाँ पता नहीं क्या लिख दिया उसने और कुछ समझ में तो आया ही नहीं है, पता नहीं बस बोल दिया उसने, कुछ भी बोल दिया चाहे वो. बट हाँ अगर हम इसको समझें तो इसकी एक एक लाइन जो बोलती है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग. सबसे पहले उसने जो बात बोली है वो यही बोला है कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो वर्किंग प्रोसेस ऑफ वर्किंग है. मतलब मैनेजमेंट के सबसे पहले जो बात आती है वो आती है प्रोसेस ऑफ वर्किंग. मतलब मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो और उसमें वर्किंग ही नहीं है तो काहे का मैनेजमेंट, और आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है फिर अगर वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है वो वर्क. तो सबसे पहले जो बात हमें समझ में आती है वो यही आती है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग है. नेक्स्ट जो बात वो कहता है कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग तो है लेकिन विद एंड थ्रू अदर्स, मतलब आपको जो भी प्रोसेस ऑफ वर्किंग करनी है वो थ्रू अदर्स करवानी है. मतलब आपको मैनेजमेंट जो करना है वो अपने आप को मैनेज नहीं करना है. मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मी, मैनेजमेंट इज अबाउट अस. जितने भी लोग हमारे स्टाफ में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वो पर पर्सन कौन कौन कैसे कैसे काम करेगा और उससे क्या क्या काम हमें करवाना है और एक ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सब चीज़ें उस प्रोसेस ऑफ वर्किंग में होती हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बात, मैंने भी आपको क्या बताई है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग है. प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैसे है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स है. तो पहली बात मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि जो के राइडर जो भी ऑथर हैं हमारे बिजनेस के और जो हमारे मैनेजमेंट के जो ऑथर हैं, उन्होंने हमें सबसे पहले बात यही बताई है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स. जो भी हम मैनेजमेंट करेंगे वो क्या है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग है विद एंड थ्रू अदर्स. नेक्स्ट जो वो बात कहता है कि ठीक है भाई प्रोसेस ऑफ वर्किंग भी है, हमें अदर्स से थोड़ा काम वाम भी कराना है, बात समझ में आती है, लेकिन ये इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इफेक्टिवली क्या है. आप बार बार बोल रहे हो कि हाँ ठीक है इफेक्टिवली है, तो इफेक्टिवली क्या है, इफेक्टिव वर्ड क्या है ये. तो यहाँ पे मैं एक बात समझाना चाहूंगी कि इस
मैनेजमेंट के ये जो डेफिनेशन है इसमें दो वर्ड्स बेसिकली आपको पूरे चैप्टर क्या पूरी बुक में ही आपको ये मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स का आपका आने वाला है पूरा ये जो ए पार्ट है जिसका ये छोटा सा चैप्टर अभी हमने लिया है 7 मार्क्स का, हम इस पूरे बुक के अंदर बस दो वर्ड, दो नहीं तीन वर्ड हम बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। एक है प्रोसेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग है ये। दूसरी जो बात आती है वो है इफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव क्या है, काम को हम इफेक्टिव कब बोलेंगे, तो इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव वर्ड बताता है कि हम किसी काम को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने एक एम बनाया है कि ठीक है आज मेरे को बिजनेस का ये फर्स्ट चैप्टर तो पूरा लर्न करके छोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए करना ही है, मीन्स करना ही है, आज तो मैं चैप्टर ही कर ही रहूंगी। ठीक है, आपने लिए बुक और आप स्टार्ट हो गए हो, पूरी बुक में से आपने ये पेज पलटे 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 और आपने लर्न करके और छोड़ दिया, लास्ट में रात को सोते वक्त माइंड में आया, क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, बस हमने लर्न कर लिया ना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कंप्लीट हो गया ना, हम इफेक्टिव तो हैं। इफेक्टिव मतलब कि जो भी आपको काम दिया जा रहा है आप उसको जस्ट कर रहे हो, कर रहे हो, आपको आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर एक प्रोडक्शन लेवल से समझाऊं तो मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि ठीक है कंपनी ने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक काम दिया है कि आपको ये 1000 यूनिट्स आज में कंप्लीट करके देने हैं मुझे, 1000 यूनिट्स आज में आपको बनाकर देने हैं मुझे। ठीक है, उसने बना दिए 1000 यूनिट्स, लेकिन जिसने वो 1000 यूनिट्स बनाए हैं उसने इफेक्टिव वर्क करा है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा। एफिशिएंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसके पीछे की स्टोरी सुनो, अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि एफिशिएंट क्यों नहीं है वो, क्योंकि उसने जो पीछे वो जो काम कर रहा था उसने उसमें वो डबल पावर यूज़ कर लिया, डबल पावर यूज़ कर रहा है, डबल लेबर यूज़ कर रहा है और डबल मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट उसके डबल हो गई है। ठीक है, काम इफेक्टिव है भाई, बोला था मैनेजर जो भी था उस डिपार्टमेंट का, उसने बोला कि 1000 यूनिट्स बनाने हैं, मैंने बना दिए, लेकिन बना तो दिए लेकिन वो काम अभी एफिशिएंट नहीं है क्योंकि आपने कॉस्ट तो उसके डबल यूज़ कर लिया। तो इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट कहाँ पर है। तो जो एफिशिएंट वर्ड है और जो इफेक्टिव वर्ड्स है ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, यू कैन से इट के एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए लेकिन एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं एक सिंपल सी लाइन में कहती हूँ कि इफेक्टिव मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करना और एफिशिएंट मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करना लेकिन एक समझदारी के साथ पूरा करना। ये नहीं है कि आप बस उसको स्टार्ट हो गए हो चाहे कैसे भी करना बाय हुक और क्रूक आपको वो काम करके देना है, नहीं, आपको वो काम समझदारी के साथ भी करना है। आप किसी चीज़ को वेस्ट नहीं कर सकते हो, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो एफिशिएंट तभी होगा जब आपने रिसोर्स ठीक से एफिशिएंटली यूज़ करे होंगे और इफेक्टिव तब होगा जब वो ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ 3 चीज़ें समझाई हैं मैनेजमेंट के बारे में, अभी ज़्यादा कुछ नहीं समझाया है। 3 चीज़ें वो कौन कौन सी थी, पहला मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग है। प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैसे है, विद एंड थ्रू अदर्स, पहली बात तो मैंने आपको ये समझाई। दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई है कि ये इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, मैं बार बार अभी मैंने अभी एग्जांपल में भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और जो भी टारगेट है मैं ये सब बोल रही थी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें इफेक्टिवली अचीव करने हैं। मीन्स इफेक्टिवली अचीव कैसे करने हैं कि हमें उस काम को पूरा करना है। ठीक है भाई, काम भी पूरा हो जाएगा बट लास्ट में वो कहता है कि बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप ठीक है, आप यूज कर रहे हो इफेक्टिवली लेकिन वो आपको एफिशिएंटली भी यूज करने हैं। अगर आप उस काम को इफेक्टिवली कर रहे हो, ठीक है हमें कोई भी काम करना था हमने काम कर दिया ना, अब उससे चाहे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हुए हों, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई हो, लेबर वेस्ट हुआ हो, प्रोडक्शन वेस्ट हुआ हो, कुछ भी हुआ, दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस, हम ये बोल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव होने के साथ साथ वो चीज़ एफिशिएंट भी होनी चाहिए तभी हम उसको काम मैनेजमेंट में बोलेंगे। तो जो के राइडर साहब हैं उनकी जो मैनेजमेंट की मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई है, तो आप इस डेफिनेशन से आपने 3 चीज़ें पकड़ कर रखनी है, बस 3 चीज़ें हैं और चौथी चीज़ कोई नहीं है। 3 चीज़ें वो क्या क्या हैं कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ
वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें इफेक्टिवली अचीव करने हैं बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो आई थिंक आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी आपसे कोई भी पूछे कि मैनेजमेंट क्या है तो आपको सिंपल सा जवाब देना है. क्या दोगे? सिंपल सा जवाब बस यही होगा, आपका आंसर सिंपल यही होगा, भाई मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ वर्किंग है विद एंड थ्रू अदर्स और इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स करने हैं बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. बात खत्म. और क्या है मैनेजमेंट? तो आई थिंक आपको ये मैनेजमेंट की जो मैंने अभी आपको फर्स्ट डेफिनेशन जस्ट समझाई है तो ये थोड़ा समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या. तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, अब हम एक बार इसको रीड कर लो, ऐसा करो थोड़ा, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं. मैं आपके लिए एक और बार रीड कर देती हूँ कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट. जो के राइडरनर है उन्होंने बोला है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन आज यही करी है. अब हम सेकेंड डेफिनेशन पे चलते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर अब ठीक है, केरा इधर जो साहब थे उन्होंने ये बात बोल दी है कि हाँ ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, इफेक्टिवली यूज करना है, एफिशिएंटली यूज करना है, एक पूरा प्रोसेस है, वर्किंग है, ये है वो है, ठीक है, बात समझ में आ गई है, बात खत्म हो गई. लेकिन जो हेनरी एल सिस्क थे ये आए उठकर और ये कहते हैं, नहीं नहीं भाई, जो तुम बोल रहे हो ठीक नहीं है, तुमने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है कि मैनेजमेंट प्रोसेस है, इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. बात क्लियर कहाँ पर हुई है? तुम ठीक है इतना बोले जा रहे हो, उछल उछल के पता नहीं तुमने पूरी कहानी बता डाली है कि हाँ ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? तुमने ये तो बताया नहीं है. तो वो अलग से अपनी जो मैनेजमेंट है उसको डिफाइन वो अलग से करते हैं. वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज. मैनेजमेंट कोई, तुम जो बोल रहे थे प्रोसेस है, तुम बोल रहे थे एफिशिएंट यूज करना है, इफेक्टिवली यूज करना है, नहीं. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज है. मतलब आप जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसको मैनेजली यूज करना ही मैनेजमेंट है. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब भी मैनेजमेंट ही होता है. कि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से यूज़ करनी है, ये चीज़ इस तरीके से यूज़ करनी है, आप इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ को सिर्फ इतना ही यूज़ करना है, लाइक दैट. तो कोऑर्डिनेशन भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है मैनेजमेंट ही, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट ही है तो उसको भी तो हम मैनेज ही करें. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, जिसको हम इन सिंपल लैंग्वेज और बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हेनरी एल सिस्क थे उन्होंने हमें ये बात बोली कि मैनेजमेंट क्या है? इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज. सबसे पहले उन्होंने जो बात बोली है वो यही बोली कि मैनेजमेंट क्या है भाई? रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन है, बात खत्म. समझ में आता है कि मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन है, बस बात खत्म. वो कहते हैं कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. उसने सिंपल सी जो बात हमें बोली है वो ये है कि हमें रिसोर्सेज जो हैं वो कोऑर्डिनेट करके यूज़ करने हैं. दूसरी जो वो बात कहता है कि हम कोऑर्डिनेट किसके लिए कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट जो यूज़ कर, जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को वो किसके लिए यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, वो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के लिए कर रहे हैं, स्टाफिंग के लिए कर रहे हैं, और डायरेक्टिंग के लिए कर रहे हैं, कंट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं, जो कि सब ही ये अलग अलग सब पार्ट्स हैं किसके, मैनेजमेंट के. तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट को करने के लिए, मैनेजमेंट के अंदर मैनेज करने के लिए चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो हमने टारगेट बनाया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो हमें पूरे करने हैं. तो हेनरी एल सिस्क की जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इजी लैंग्वेज है, आई कैन से इट, बिकॉज जो के राइडर साहब थे उन्होंने तो काफ़ी इधर उधर बातों को घुमा फिरा के उन्होंने काफ़ी बोला है, बट मैंने फिर भी आपको पूरा समझाया है कि हाँ वो क्या बोल रहे थे.
लेकिन जो हेनरी एल सिस्क थे उन्होंने सिंपली डिफाइन करा है कि हाँ भाई क्या है मैनेजमेंट, क्या है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना है, बस दैट्स इट। हेनरी एल सिस्क ने और इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात आपसे करूं तो आपको दोनों में से, ये दोनों जो मैंने डिफिनेशन जो मैं लेकर आई हूँ, डिफरेंट ऑथर्स की बुक मैंने इसके लिए छाटी है, डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं मैंने उनको भी देखा है थोड़ा बहुत, तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। और ये सबसे ईजी डेफिनेशन है, ये भी मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि सबसे ईजी डेफिनेशन है, क्योंकि आप ऑथर्स की डेफिनेशन से बच नहीं सकते हो। अगर आप बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप जब भी किसी चीज को डिफाइन करोगे तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो सिंपली डिफाइन कर कर आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो ऑथर्स क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मैं अपना लर्न करूंगा, मैं अपना लिख कर आऊंगा, मार्क्स भी उतने ही आएंगे। फिर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर वो अपने लैंग्वेज में लिख रहा है तो मुश्किल से उसको 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स मिलने वाला, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला उसको बिल्कुल भी, चाहे वो कितना ही अच्छा लिख ले। लेकिन अगर वो एक ऑथर की लैंग्वेज को फॉलो करता है, अगर वो एक ऑथर की डेफिनेशन एग्जैक्टली लिख कर आता है तो ये मैं आपको बात बोल सकती हूँ, लिख कर बोल सकती हूँ कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। आई थिंक 1.5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, 1.5 आप बोल सकते हो, क्योंकि थ्योरी में कभी भी आपको पूरे मार्क्स तो मिल नहीं सकते। हाँ, बट डिपेंड करता है कि आप एकदम टोटली डिट्टो बिल्कुल आपने ठीक लिखी है डेफिनेशन, आपने उसके नीचे पूरे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हाँ अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको टोटली 2 मार्क्स पूरा मिल जाएंगे। तो आई थिंक व्हाट इज मैनेजमेंट आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट में मैंने अभी आपको जो मैंने 2 राइटर्स जो 2 ऑथर्स हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया था, के राइदर साहब ने क्या कहा है और हेनरी एल सिस्क थे उन्होंने क्या बोला है। तो के राइदर ने क्या बोला था कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग है विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस इन चेंजिंग द एनवायरमेंट। तो के राइदर साहब ने बस यही बात बोली थी, लेकिन जो हेनरी एल सिस्क थे ये कहीं से उठ कर आए, इन्होंने बोला नहीं नहीं भाई जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, मेरे हिसाब से मैनेजमेंट बिल्कुल इससे डिफरेंट है। जबकि बात वो भी वही बोल रहे हैं लेकिन वर्डिंग्स के साथ खेलना है उन्हें भी, वो बात दोनों एक ही कर रहे हैं कि हाँ मैनेजमेंट क्या है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको प्रेफर नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो जो मैंने बोली है। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं पूरे करो, और क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट करना है बस रिसोर्सेस को थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अभी तक मैंने आपको मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ 2 डेफिनेशन समझाई हैं और अभी और कुछ भी नहीं समझाया है। तो एक बार ही आप इन दोनों डेफिनेशंस को एक बार ही, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको रीड करो ताकि ये है क्या एक्चुअली, आपको थोड़ा पता चल सके।
हाँ जी, तो आपने ये पढ़ लिया होगा अभी तक आई थिंक, और समझ में भी आ गया होगा कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो जो के राइडर थे, जो ऑथर थे, उन्होंने क्या बोला, हेनरी एल सिस्क जो थे उन्होंने क्या बोला है। अब हम मैनेजमेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं आई थिंक, कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। तो जो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको पढ़ें तो मैनेजमेंट क्या है, हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। एक्चुअली जो ऑथर्स की जो डेफिनेशन है ना, वो एज कम्पेयर टू सिंपल लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उनका एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होता है जो आपको एज अ लर्न करना पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते हो कि ठीक है मैं इजी लैंग्वेज को फॉलो कर लेता हूँ। इजी लैंग्वेज को फॉलो करोगे तो एग्जाम्स में मार्क्स भी इजीली आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको इसमें से लर्न करना है तो मैंने दो ऑथर्स की आपको डेफिनेशन दी है, दोनों में से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लर्न कर लो। और दो मैंने आपको एज एन सिंपल लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशंस दी हैं, तो दोनों लर्न नहीं करनी है, दोनों में से कोई एक लर्न कर लो। इतना आई थिंक आप कर सकते हो। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो भी मैं आपको पीपीटीज मैंने आपको साइट पे जो भी मैंने डाली हुई हैं और जो भी मैं आपको बताती हूँ, जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। और जो मैंने आपको पीपीटीज दी हैं, इससे एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ना इससे एक वर्ड आपको कम लिखना है। बिकॉज मैं आपको टोटली एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही पूरा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। लाइक मैं आपको ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं कह रही, ना मैं आपको पूरा थ्योरी उठा के दे रही हूँ कि हाँ इसमें से आप ढूंढो जो आपको पढ़ना है पढ़ लेना, मैं वो नहीं कर रही। मेरा बेसिकली एक छोटा सा फंडा है कि स्टूडेंट्स जो चाहता है उसको बस हमें वही देना है, जितना उसका जितनी उसे भूख है। एक्चुअली यू कैन से जितनी उसको भूख है उसको उतना ही खाना दो, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो आपको जो भी मैं बोल रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना है, और जो भी दे रही हूँ वो एज इट मतलब एग्जैक्टली आपको वो लर्न करना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो मैनेजमेंट की एज एन सिंपल लैंग्वेज है। तो इसके अंदर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। अब वो कौन कौन से फंक्शंस है, इसने बोला मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि कंडक्ट करता है फंक्शंस को। तो कौन कौन से फंक्शंस है जो हमने पहले पढ़े थे, कौन कौन से प्रोसेस है, नहीं प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस तो है, लेकिन कौन कौन से फंक्शंस है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, जो हमने पहले पढ़ा है। तो ये जो डेफिनेशन है वो दोबारा से रिपीट हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप सोचोगे कि ये तो मैंने पहले ही लिख दिया है, दोबारा से क्यों लिखूं। वो ऑथर्स लैंग्वेज है, वो ऑथर्स लैंग्वेज है और ये आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है। तो आप दोनों को ही लिखोगे, चाहे वो कितनी ही बार उस बात को घुमा फिरा के रिपीट कर रहा हो। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ मैंने एक बार तो लिख दिया, मैं दोबारा क्यों लिखूंगा इस बात को, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो चाहे कोई भी ऑथर हो, चाहे कोई भी नॉर्मल डेफिनेशन हो, सब लोग एक ही बात बोलेंगे कि हाँ ये एक प्रोसेस है, इफेक्टिवली यूज हो रहा है, एफिशिएंटली यूज हो रहा है, इसके ये स्टाफिंग कंट्रोलिंग और ये सारे इसके प्रोसेस हैं, सब लोग एक ही बात यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको बार बार वही बातें रिपीट करनी है, तभी ये मार्क्स अच्छे रिपीटेडली आएंगे। तो मैं आपको जो ये सिंपल लैंग्वेज में था ये थोड़ा समझा रही थी कि मैनेजमेंट क्या है। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, टू गेट द वर्क डन। टू गेट द वर्क डन, आई थिंक ये डन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है प्रिंटिंग में, तो आप इसको डन ही राइट करना। टू गेट द वर्क डन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनर। वही जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि एफिशियंट एंड इफेक्टिव क्या होता है, वही आपको इसमें सोचना है। मैंने आपको क्या बताया था कि इफेक्टिव मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मीन्स कि आप उस सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हो, दैट्स इट। इफेक्टिव मतलब कि आप उस सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हो, एफिशियंट मतलब कि मिनिमम कॉस्ट पे पूरा कर रहे हो। आप इस बात को ऐसे समझना कि इफेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है, लेकिन एफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है। तो एफिशिएंट और इफेक्टिव आप खुद ही समझदार हो कि वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हमने सिंपल लैंग्वेज में यही पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव
मैनर, दैट्स इट. नेक्स्ट जो मैंने आपको एक नॉर्मल डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ, इसमें भी डन की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है, आप इसको डन जरा ढंग से लिख लेना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, आप इसको ठीक से लिख लेना. तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ये ऊपर वाली बात दोबारा से रिपीट हो रही है, ये भी यही कह रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. आपको मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने एम को अचीव करते हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो अभी मैंने आपको ये चार डेफिनेशंस कराई हैं और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो ये चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 7 मार्क्स का सब्जेक्ट आना है. और आप चाहे ये बात मानो या ना मानो, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है एग्जाम में 99% चांसेस हैं कि वो डेफिनेशन आपसे ज़रूर पूछेगा. और 2 मार्क्स मिनिमम मैं बोल रही हूँ कि 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की वो 2 मार्क्स की ज़रूर होती है. मतलब खुद सोचो कि आप बस ये 2-4 लाइंस याद कर रहे हो, आपको 2 नंबर इजीली मिल रहे हैं. और अगर 2 नंबर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो मैंने आपको यही बोला है कि एक ऑथर लैंग्वेज लर्न करो और एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो मैंने नीचे दिए एक वो लर्न कर लो. मैंने आपको 4 डेफिनेशन दिए, 4 में से कोई भी 2 करनी है, एक ऑथर लैंग्वेज की और एक नॉर्मल लैंग्वेज जो दी हुई है. अगर आप ऑथर लैंग्वेज लिखोगे जो कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बोली जाती है तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, नो डाउट कि आपका उसमें से आधा मार्क्स भी कट जाए. ठीक है, तो अभी हम इसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है. तो बेसिकली जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर के राइदर जो हमारे ऑथर थे उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस ऑफ वर्किंग है जो कि विद एंड थ्रू अदर्स हम लोग करवाते हैं इफेक्टिवली अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस. ये बात ध्यान रखना कि एफिशिएंटली आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं, इफेक्टिवली आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं बट एफिशिएंटली आपको रिसोर्स यूज करने हैं, तो ये बात ध्यान रखना. इसके बाद जो हेनरी एल सिस्क जो थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो तुम बोल रहे हो गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो. तो मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं तो आपको और कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है किस कौन कौन से फंक्शंस के साथ, जो कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ होंगे. नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस है. दोबारा से ये बात रिपीट हो रही है, हम पूरे ही डेफिनेशंस में और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बातों को वही रिपीट कर रहे हैं, बस घुमा रहे हैं उसको, लाइक लैंग्वेज के साथ हम थोड़ा खेल रहे हैं. लेकिन जब मैं आपको समझा रही हूँ तो आप सुन रहे होंगे कि हाँ मैम तो बार बार एक ही बात भूली जा रही है, मैम भूल क्या रही है, मैम यही बात मैम ने पहले समझाई थी, यही बात फिर मैम दोबारा समझा रही है, यही बात फिर मैम तीसरे जो उसकी डेफिनेशन है उसमें समझा रही है, फोर्थ लैंग्वेज में भी जो फोर्थ डेफिनेशन है वो भी वही बात बोल रही है. तो अब है जो भी है, मैं जो भी समझा रही हूँ वो वही है, बस वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, दैट्स इट, मीनिंग इज सेम. तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. और जो लास्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा. तो मैंने बस आपको डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया. तो डोंट बी कंफ्यूज कि हाँ मैम पता नहीं इतने से उस पर क्यों बोली जा रही है. एक्चुअली जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है वो पूरे चैप्टर का बेस है, जो आपको 7 मार्क्स जो आपको स्कोर करने हैं एक्चुअली वो पूरे चैप्टर का आपका बेसिक फंडा है. हम पूरे चैप्टर के अंदर बार बार यही पढ़ेंगे कि इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, प्रोसेस है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है,
पूरे चैप्टर में हमने बेसिकली यही चीज बार बार पढ़नी है, जिसके लिए हमें 7 मार्क्स मिलने हैं। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि 7 मार्क्स मिलने हैं, 7 मार्क्स मिलने हैं, तो 7 मार्क्स मिलने ही, आपको पूरे स्कोर करने हैं। तो जितनी भी मैंने पीपीटीज बनाई हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको एग्जैक्टली वो जस्ट फीड ऑन कर देना है। मतलब आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी, और ना आपको किसी अदर ऑथर्स की बुक देखनी है, ना अदर सैम्पल पेपर्स यू लाइक वगैरह कुछ देखना है, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। अभी एट द एंड जब चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मैं आपको दोबारा से सारे क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, या फिर जो आपके सैम्पल पेपर्स वगैरह हैं, वो मैंने सब कंप्लीट कर रखे हैं, सब कवर कर रखे हैं। तो मैं आपको वो सारे प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जस्ट आपको एग्जैक्टली वो फीड करना है। और आई थिंक मेरा नाम अभी तक रिमेम्बर हो गया होगा, माई नेम इज़ तन्वी, और मैं आपकी बिजनेस की टीचर हूँ। और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपको एग्जैक्टली लर्न करना है। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।